बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा, हम न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे, मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने आपको न्यूक्लियोसाइट और न्यूक्लियोटाइड तक पढ़ाया था और मैंने आपको ये बताया था कि एटीपी का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज जो बातें हैं ना, वो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल हैं, मुश्किल नहीं है। ज़रा आपने फोकस करना, आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। और उसके बाद आपने देखना है कि एर्विन चारगॉफ ने, रोजलिन फ्रैंकलिन ने, वॉटसन क्रिक ने ये अपने मॉडल्स कौन कौन से दिए थे। ये आप आ जाए पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड शामिल होते हैं एंड दे आर जॉइंड बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। पहले मैं ज़रा अपने देसी तरीके से आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ, फिर आपको इधर से स्लाइड दिखाता हूँ। ये डीएनए है ना बेटा, इसका स्ट्रक्चर हम यूं ड्रॉ करते हैं। ये उसका 5 एंड, ये उसका 3 एंड। ये 5 और 3 हम इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स के वो एंड जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने में इन्वॉल्व होते हैं वो ये होते हैं। यानी एक न्यूक्लियोटाइड का 3 एंड, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5 एंड, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, उसके रिजल्ट में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा और न्यूक्लियोटाइड दो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने एक 5 एंड मेंशन किया, एक 3 एंड मेंशन किया। आप एक और बात पे इधर आप फोकस करें कि मैंने एंड्स को मेंशन करते हुए ऊपर वाले दोनों एंड्स को एक जैसा नहीं रखा। एक स्ट्रैंड का अगर वहां पे 5 एंड है तो डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड का वहां पर 3 एंड होता है, ठीक है। एक स्ट्रैंड देखो, ये यहां से शुरू हो रहा है, ऐसे चलता आ रहा है, 5 वहां शुरू हुआ, 3 यहां खत्म हुआ। दूसरा जो है वो ये 3 यहां से चलता आ रहा है और यहाँ पे आके 5 खत्म हो रहा है। इसका मतलब है डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ऑल दो डीएनए इज अ डुप्लेक्स, लेकिन बोथ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए आर एंटी पैरेलल। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं आपस में क्या होते हैं बेटा, एंटी पैरेलल होते हैं। मैं आपको ना पहले पहले वॉटसन क्रिक मॉडल समझाता हूँ क्योंकि ये बात उसी से रिलेटेड आ गई। वॉटसन एंड क्रिक स्केल मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक स्केल मॉडल ऑफ डीएनए क्या होता है, द स्केल मॉडल ऑफ द वॉटसन एंड क्रिक ऑफ द डीएनए, द स्केल मॉडल ऑफ द वॉटसन एंड क्रिक, ये क्या होता है बेसिकली। अच्छा, बोर्ड में ये एक दफा लॉन्ग आया है, डीजी खान बोर्ड में एक दफा लॉन्ग आया कि डीएनए के आप प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दें, जो कि बच्चों को समझ ही नहीं आया कि लिखना क्या था। जबकि हमारे बोर्ड के अंदर ये वॉटसन और क्रिक के नाम से आया कि वॉटसन एंड क्रिक का आप स्केल मॉडल बता दें। देखो, वॉटसन क्रिक का आप स्केल मॉडल लिखेंगे ना, आप पहली बात बताएंगे कि जो डीएनए होता है वो डीएनए डुप्लेक्स होता है एंड बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर एंटी पैरेलल। डीएनए के बेटा जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर एंटी पैरेलल। इफ द वन स्ट्रैंड इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी एक 5 टू 3 एंड है, दूसरा 3 टू 5 एंड होगा, तो दोनों स्ट्रैंड्स क्या है, एंटी पैरेलल है। इसके अलावा आपने कुछ फंडामेंटल रूल्स याद रखने हैं। वो फंडामेंटल रूल्स क्या आते हैं बेटा, फंडामेंटल रूल्स ये हैं कि एडिनिन जो नाइट्रोजनस बेस होती है, इट इज ऑलवेज पेयर्ड विद द थायामीन विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी बेसिस के दरमियान ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है एंड दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन सच अ वे दैट द एडिनिन इज ऑलवेज पेयर्ड विद द थायामीन विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाइल द गुआनीन इज ऑलवेज पेयर्ड विद द साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एडिनिन इज ऑलवेज पेयर्ड विद द थायामीन विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड,
वाइल द गुआनिन इज ऑलवेज पेयर्ड विद द साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब है ए जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस आएगी ना उसके सामने टी आएगा, और जहाँ पे टी आ जाए उसके सामने क्या आना चाहिए ए, जहाँ पे जी आया उसके सामने सी, और जहाँ पे सी आया उसके सामने जी। ये फंडामेंटल रूल है, फंडामेंटल रूल है ये कि बेसिस की पेयरिंग ना ऐसे होती है। अब जरा आप प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखो, मैं आपको अभी बता रहा था कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद है। देखो ये जो हमारे पास डीएनए का टर्न है ना बेटा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, मैं किसी और कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको समझ आए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। डीएनए का हर जो टर्न होता है उसका जो डायमीटर होता है बेटा, द एवरी टर्न ऑफ द डीएनए हैज 3.4 नैनोमीटर डायमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में मेंशन करोगे, एंगस्ट्रॉम इज द 10^-10 वाइल द नैनोमीटर इज द 10^-9, तो एंगस्ट्रॉम में मेंशन करोगे तो 34 एंगस्ट्रॉम होगा। यानी डीएनए का जो हर टर्न होता है वो 3.4 नैनोमीटर के बाद या फिर 34 एंगस्ट्रॉम के बाद होता है। जबकि ये जो दो हमारे पास स्ट्रैंड है, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं? बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर 2 नैनोमीटर अपार्ट या फिर 20 एंगस्ट्रॉम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो बातें बताई, हर टर्न का डायमीटर बेटा, टर्न देखो ये यहां से यहां तक है, अगला आप देखोगे वो यहां से यहां तक आएगा, इसी तरह से काफी सारे टर्न है। हर टर्न का जो डायमीटर होता है वो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि दो स्ट्रैंड्स का जो दरमियानी डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर या फिर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ऐसे ही हर जो टर्न होता है ना उसके अंदर टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। यानी ये टर्न है, इसमें टोटल 10 बेस पेयर्स है, 10 बेस पेयर्स है इस टर्न के अंदर, 10 बेस पेयर है। इन बेस पेयर का मतलब क्या है ये आपको समझाता हूं। इन बेस पेयर का मतलब क्या है, यानी अब मैं स्ट्रैंड को जरा बड़ा करके बनाता हूं हर टर्न को। ये अब टर्न को जरा बड़ा करके बना रहा हूं ताकि 10 बेसिस को शो करवा सकूं। यानी क्या होगा, अगर इधर एडिनिन है, इधर थायमीन है, इधर गुआनिन है, इधर थायमीन है, इधर एडिनिन है, साइटोसिन, थायमीन, मैं सपोज लिख रहा हूं एडिनिन, थायमीन और गुआनिन, ये 10 बेसिस ड्रॉ किए हैं एक स्ट्रैंड के ऊपर। इसी के जो सामने वाला स्ट्रैंड होगा उस पर क्या होगा, एंटी पैरेलल सीक्वेंस। अगर इधर एडिनिन है तो इधर क्या होनी चाहिए, इधर डबल बॉन्ड के साथ थायमीन, इधर थायमीन है तो इधर क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ एडिनिन, इधर गुआनिन है तो इधर साइटोसिन, इधर थायमीन है तो इधर एडिनिन, इधर एडिनिन है तो इधर थायमीन, इधर साइटोसिन है तो इधर गुआनिन, इधर थायमीन है तो इधर एडिनिन, एडिनिन है तो थायमीन, थायमीन है तो एडिनिन, गुआनिन है तो साइटोसिन। यानी एक स्ट्रैंड के ऊपर मैंने नाइट्रोजनस बेसिस को मेंशन किया। अभी आपको प्रीवियसली बता रहा था कि हमेशा जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, ये फंडामेंटल रूल के मुताबिक एडिनिन ने हमेशा थायमीन के साथ पेयर करना होता है, गुआनिन ने हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करना होता है, क्लियर। और उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी फिक्स होती है। ये तो मैंने एक्सपोज लिखा ना, अपनी मर्जी से ही सीक्वेंस लिख दिया एक टर्न के अंदर, लेकिन हर टर्न में 10 बेस पेयर है, 10 बेसिस एक स्ट्रैंड पर, 10 बेसिस सामने वाले स्ट्रैंड पर, ये टोटल 10 बेस पेयर हो जाएंगे। देखो अभी बता रहा था कि हर टर्न का डायमीटर 3.4 नैनोमीटर है, तो खुद अंदाजा लगाओ हर टर्न में 10 बेस पेयर है, दो बेसिस का दरमियानी कितना होगा, तो 10 पे डिवाइड कर दो, दो बेसिस का दरमियानी डायमीटर 0.34 नैनोमीटर होगा, या एंगस्ट्रॉम में मेंशन करोगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। पूरे टर्न का 3.4 नैनोमीटर, हर टर्न में 10 बेस पेयर, दो बेसिस का दरमियानी डायमीटर कितना होगा, जो ऊपर नीचे वाली हैं उनका होगा 0.34 नैनोमीटर, यानी मैंने 10 पे डिवाइड कर दिया, क्लियर। अब अगली स्लाइड में बताता हूं कि डीएनए का ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ये सेकेंडरी होता है, ये क्या होता है। अभी वही स्केल मॉडल ही चल रहा है, ये सारी बातें आपने स्केल मॉडल में लिखनी है।
ये थ्री एंड, ये फाइव एंड, ये फाइव एंड, ये थ्री एंड। ये जो बेटा रेड से सारा ड्रॉ किया है ना, इट इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यानी ये वो नहीं है जो आपने प्रोटीन में पढ़ा था, डीएनए का अपना ही प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। और डीएनए के प्राइमरी स्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं, एक है शुगर और दूसरा है फॉस्फेट। दो चीजें डीएनए के प्राइमरी स्ट्रक्चर में होती हैं। बुक की लाइन लिखी हुई है कि शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द डीएनए। यानी ये क्या बनाती है, ये बैकबोन बनाती है, ये डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और शुगर और फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कनेक्ट करवाता है। मैं आपको इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन शो भी करवाऊंगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जबकि ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है ना, अभी आपने पढ़ा कि यहां पर क्या मौजूद होती है, नाइट्रोजनस बेसिस। इट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, इट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। और डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या मौजूद है बेटा, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन, ये सारे। और नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हम कह सकते हैं ना, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाइल द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर शुगर फॉस्फेट है, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या मौजूद होती है, सेकेंडरी में मैंने बताया नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती है। क्लियर, ये आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की समझ आई होगी। तो ये सारी स्केल मॉडल में आपने बातें लिखनी है। मैंने यहां से शुरू किया था कि स्केल मॉडल को वॉटसन क्रीक ने प्रेजेंट किया था, उसके मुताबिक डीएनए डुप्लेक्स होता है, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है, अगर एक 5 to 3 है तो दूसरा 3 to 5 है। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया कि फंडामेंटल रूल है कि ए इज ऑलवेज पेयर्ड विद द टी, जी इज ऑलवेज पेयर्ड विद द सी। फिर मैंने आपको डायमीटर बताए कि देयर इज अ डायमीटर ऑफ 3.4 नैनोमीटर ऑफ द एवरी टर्न। डीएनए के हर टर्न का जो डायमीटर होता है वो 3.4 नैनोमीटर होता है, या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। दो स्ट्रैंड का जो दरमियानी डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम। एंड देयर आर द 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन द एवरी टर्न ऑफ द डीएनए, 10 बेस पेयर्स होती हैं। वो 10 बेस पेयर्स कैसे हैं, ये आपके सामने है। मैंने कहा था अगर हर टर्न का डायमीटर 3.4 नैनोमीटर है तो दो बेसिस का दरमियानी कितना होगा, क्योंकि हर टर्न में 10 बेस पेयर है, 10 पे डिवाइड कर दो तो दो बेसिस का दरमियानी डायमीटर आ जाएगा। आखिरी बात बताई कि प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए क्या होता है। अब वापसी ना मैं आपको स्लाइड्स की तरफ ले जाता हूँ, जिन स्लाइड्स को हम पढ़ रहे थे, कि डीएनए के प्राइमरी स्ट्रक्चर को और डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे थे। देखो इन केस ऑफ द आरएनए उन्होंने लिखा ए सी जी एंड यू आर लिंक्ड बाय द 3 to 5 ईस्टर बॉन्ड बिटवीन द राइबोज एंड द फॉस्फेट। ये अभी तक वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा आता है तो आपको समझ आएगी। ये आ गया, देखो एडिनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयर्ड है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर्ड होती है। ये लिखा हुआ है कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन बन रही है, और शुगर फॉस्फेट बैकबोन बेटा क्या बनाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए बनाती है। ये अंदर बेस पेयर्स हैं, और जो बेस पेयर्स हैं ये क्या बनाएंगी, दे फॉर्म द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। इन्होंने डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है। ये आ गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे मेंटेन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस किससे बताई थी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। इसको आप कहते हो ये वॉटसन क्रिक का स्केल मॉडल होता है। अब है एक्सरे, ये आ गया स्केल मॉडल। इस स्केल मॉडल में आप देख लें कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन बन रही है, अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं, उसके अलावा इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि स्ट्रैंड किस तरह से एंटी पैरेलल है। ये आप देख लें, दो बेसिस का दरमियानी डायमीटर 0.34, हर टर्न का 3.4 नैनोमीटर, हर टर्न में 10 बेस पेयर्स। बेस पेयरिंग बताई गई है कि कैसे होती है। अब आ जाए प्रीवियसली, एक आपको रूल बताता हूं, दैट इज द रूल ऑफ एरविन चारगॉफ।
एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एरविन चारगॉफ, जिसके रूल को हम चारगॉफ रूल कहते हैं। और चारगॉफ रूल के मुताबिक है कि जो अमाउंट ऑफ प्यूरीन होती है, अमाउंट ऑफ प्यूरीन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। प्यूरीन की जो अमाउंट होती है बेटा, वो पायरिमिडीन्स के बराबर होती है। ये चारगॉफ रूल है, लेकिन किस में? डीएनए के अंदर, ये भी याद रखना। चारगॉफ ने बताया कि अमाउंट ऑफ प्यूरीन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन, बट इन केस ऑफ द डीएनए। प्यूरीन क्या है बेटा? प्यूरीन में मैंने कहा था कि लार्जर बेसिस होती हैं, एडिनिन गुआनिन शामिल है। पायरिमिडीन्स, अगर डीएनए की पायरिमिडीन्स की बात हो तो उसमें यूरासिल नहीं होती, थायामीन होती है, फिर साइटोसिन भी है। तो पायरिमिडीन्स में है साइटोसिन प्लस थायामीन। यानी चारगॉफ रूल के मुताबिक था कि प्यूरीन की अमाउंट ना हमेशा पायरिमिडीन के बराबर रहेगी। ए प्लस जी इज इक्वल टू द सी प्लस टी, ये किसने बताया? ये चारगॉफ रूल के मुताबिक हमें पता चला। एक बात और बताता हूँ, इसने कहा था कि अमाउंट ऑफ एडिनिन तकरीबन थायामीन के बराबर होती है, जबकि गुआनिन तकरीबन साइटोसिन के बराबर होती है। अब आपको किसी एक की अमाउंट पता चल जाए ना, तो आप सब की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज कि डीएनए के अंदर अमाउंट ऑफ एडिनिन 15% है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ जी साइटोसिन की कितनी होगी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इसी रूल के मुताबिक एडिनिन की अमाउंट डीएनए के अंदर 15% है, आप साइटोसिन की अमाउंट कैलकुलेट कर दे। देखो एडिनिन की कितनी है? 15%। गुआनिन की हमें पता नहीं है, साइटोसिन की भी पता नहीं है, लेकिन आपको यह तो पता है ना कि जितनी एडिनिन की होती है उतनी थायामीन की होती है, उसकी भी कितनी होगी? 15%। तो 15 और 15 कितना हो गया? 30। पीछे कितना रह गया? 70। 70 को 2 पे डिवाइड कर दो, आधी इसकी अमाउंट हो, क्योंकि परसेंटेज हम आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं ना। तो 15 ये हो गई, 15 ये हो गई, 30 हो गई। पीछे कितनी बच गई है? 70। 70 को 2 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि आधी गुआनिन निकालनी है, आधी साइटोसिन निकालनी है। इसका मतलब है 15 प्लस 35, 70 का हाफ कितना आता है? 35 इज इक्वल टू 35 प्लस 15, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। प्यूरीन पायरिमिडीन के बराबर होगा। हमें परसेंटेज पूछी थी साइटोसिन की, तो आंसर क्या होगा? 35%। आंसर क्या होगा? 35%। ये बेटा मैंने आपको बताया कि चारगॉफ रूल क्या होता है। चारगॉफ रूल है कि अमाउंट ऑफ प्यूरीन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन, बट इन केस ऑफ द डीएनए, क्योंकि डीएनए में यूरासिल नहीं होती, प्यूरीन्स आर द लार्जर बेसिस, और प्यूरीन में एडिनिन गुआनिन शामिल हैं, पायरिमिडीन्स के अंदर साइटोसिन थायामीन शामिल हैं। और मैंने किसी एक की अमाउंट दे के आपको बताया कि आप बाकी तमाम की कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैलकुलेट करने का तरीका है। इसके बाद एक साइंटिस्ट रह गया है, और वो साइंटिस्ट कौन सा है? वो साइंटिस्ट है बेटा रोजालिन फ्रैंकलिन। कौन? उसने क्या किया था? देखो रोजालिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सरे डायफ्रेक्शन एनालिसिस पैटर्न डेवलप किया था, ये अभी आपके सामने आएगा। ये इसने कहा था कि जब आप एक बीम ऑफ एक्सरे को बम्बार्ड करवाते हो ना डीएनए के साथ, तो फिर क्या होता है कि जो एक्सरेज होती हैं वो डायफ्रेक्ट हो जाती हैं, और जैसे ही आप उस सब का रिकॉर्ड एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर लोगे, तो डीएनए का पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। डीएनए का पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। दैट इज द एक्सरे डायफ्रेक्शन एनालिसिस विच वॉज डिवेलप बाय द रोजालिन फ्रैंकलिन, और फ्रैंकलिन ने और रोजालिन ने इसको स्टडी किया था, ठीक है, फ्रैंकलिन विल्किन ने। तो ये स्केल मॉडल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डीएनए का जो स्केल मॉडल होता है वो क्या होता है, उनकी आपस में बेस पेयरिंग कैसे होती है, ये सारी बातें हम स्टडी कर चुके हैं। अब सिर्फ मैंने आपको एक ही बात बतानी है, वो ये बतानी है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है? तो यहाँ तक मैंने आपको बताया, यानी अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन को देखेंगे, प्लस वेरियस टाइप्स ऑफ द आरएनए को, और बुक में जो दो तीन टेबल्स बनी हुई हैं जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए बताई गई है, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह हम नए लेक्चर्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी, नए तरीके से,
और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए बेटा इतना ही। सवाल पूछने से पहले इसको देख लेना। अल्लाह हाफिज़।